Hey guys, it's Prachi and welcome back to my channel. अगर आपने ये शक्ल first time देखी तो चैनल को please subscribe कर देना और वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक करना मत भूलना. अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक मलयालम मूवी चुरुली के बारे में जो कल रात को सोनी लिव पे रिलीज हुई. इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लिजो जोस पेलिसेरी ने और हम सबको पता है लिजो जोस पेलिसेरी ऐसी मूवीज नहीं बनाते जो बहुत ही नॉर्मल एवरेज हर कोई बनाता है. उनकी मूवी हमेशा अलग होती है और अलग लेवल पे होती है. मैंने उनकी जली कट्टू देखी थी एंड आई वाज मेस्मराइज्ड द वे उन्होंने वो मास्क को कैमरा के सामने उतारा था, कंफ्यूजन को उतारा था, तो उसके वजह से आई रियली लव जली कट्टू. और अभी चुरुली, अब चुरुली एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है. मैं ज़्यादा कहानी तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मज़ा आपका ख़राब हो जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू दे देती हूँ. दो अंडरकवर कॉप्स जाते हैं चुरुली नाम के जगह में एक जॉय नाम के इंसान को ढूंढने. उसने कुछ किया होता है जिसकी वजह से वो वहाँ जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं देर इज़ अ होल डिफरेंट वर्ल्ड वेटिंग फॉर देम. इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ. वहाँ पे जाके उनके साथ क्या होता है, क्या क्या उनको पता चलता है, क्या क्या वो जॉय को ढूंढते ढूंढते वो कौन से सफर पे निकल पड़ते हैं, ये सब तो आप इस मूवी में देखने के बाद ही पता कर पाओगे. लेकिन लेट मी टेल यू, ये मूवी एक अलग डायमेंशन में आपको लेके जाती है ऐसा फील होता है, एक अलग यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट करती है ऐसा फील होता है. लाइक फर्स्ट 15-20-30 मिनट्स पकड़ लो आप, आपको लगेगा एक एवरेज सी नॉर्मल मूवी चल रही है, जो नॉर्मल हॉरर फिक्शन मूवी है जहाँ पे आपको बहुत सारे जंप स्केयर्स मिलेंगे और वही आप एक्सपेक्ट करते हो. लेकिन देर इज अ स्विच इन द मूवी, मतलब आप ऐसे करके एक स्विच टर्न होता है मूवी का और उसके बाद मूवी जो 360 डिग्री टर्न करती है ना, आई विल से आपको लिटरली आपको लगेगा ओ माई गॉड हम लोग कहाँ आ गए. ये मूवी आपके सर के साथ आपके दिमाग के साथ इतना खेलेगी, इट विल बी, मतलब ये मूवी देखते वक्त ऐसा लग रहा था मैं एक ऐसे इनफाइनाइट लूप में फंस गई हूँ जहाँ से बाहर आना वॉज इम्पॉसिबल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी. जो कैरेक्टर्स मूवी में ये जो दो पुलिसमैन फील करते हैं, एंटनी एंड शाजीवा प्लेड बाय विनय फोर्ट एंड विनोद जोश, वो लिटरली हमको फील होता है वो कन्फ्यूजन की व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या चालू है, क्या करने आए, क्या कर रहे हैं, ये आपको बार बार मूवी फील कराती है. एंड उसके बाद ये मूवी में छोटे छोटे जगह पे ऐसे कुछ नॉट ट्विस्ट बट ऐसे कुछ रेवलेशन होते हैं कि यू विल बी लाइक ओ माई गॉड व्हाट द हेल, क्या हुआ, ये क्या चल रहा है. लिटरली हाफ ऑफ द टाइम आई वॉज लाइक मैं क्या देख रही हूँ, इज दिस अ लूप. यू विल डेफिनेटली फील दैट फ्रॉम द मूवी. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज बीच बीच में ना एक म्यूजिक आता है, दैट इज सो ग्रेट, दैट इज अमेजिंग. मतलब ये मूवी मोस्ट ऑफ जंगल में ही शूट की है और जंगल पे जो क्रीपीनेस, जंगल का जो यू नो कन्फ्यूजन की कैसा हर रास्ता सेम दिखता है, यू नो नेवर नो आगे रास्ते पे क्या होगा, कहीं पानी है, कहीं झाड़ी है, कहीं कोई एनिमल्स है, उस डर को या उस माहौल को जिस तरह से कैप्चर किया है चुरुली में, यू विल हैव नो वर्ड्स. मतलब इसका सिनेमाटोग्राफी देखने जैसा है. आप इसकी सिनेमाटोग्राफी देखोगे, जो एक एक विजुअल्स उठाए हैं और विजुअल्स आपको दिखाती है ना ये मूवी, यू आर समटाइम्स गोइंग टू से इट इज समटाइम्स गोइंग टू सेंड चिल्स डाउन योर स्पाइन. और एक और सरप्राइज था मेरे लिए इस मूवी में, जो 30 मिनट स्टार्टिंग का मूवी का खत्म होता है, 30 शायद ज्यादा बोल रही हूँ, 20 पकड़ लो, और उसके बाद मूवी में जो शिफ्ट होता है, आई समहाउ नेवर एक्सपेक्टेड मलयालम मूवीज टू हैव सो मैनी बैड वर्ड्स. और यहाँ पे जो शिफ्ट होता है ना वो मूवी में, इतनी सारी गालियाँ सुनने मिलती है. आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज जब मैंने ये देखा था, क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने आज तक ऐसी कोई मूवी देखी है जहाँ पे इतना, लेकिन आई एन्जॉयड इट. ओके, इट वॉज एडिंग टू द एसेंस एंड फ्लेवर, मुझे अच्छा लगा. ओवरऑल मूवी इज समथिंग एल्स, मैं आपको बोल रही हूँ. क्लाइमैक्स, ओ माई गॉड, देर मतलब कोई शब्द नहीं होंगे आपके पास वो क्लाइमैक्स के लिए. क्या फिल्म किया है और क्या क्लाइमैक्स है, इट इज़ लाइक व्हाट द हेल, क्या हो गया इसमें, क्या चालू है, क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है. क्लाइमैक्स इज लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लिटरली. एंड या मतलब क्लाइमैक्स देख के आपको वापस सर खुजाने का मन करेगा कि क्या हो गया था, क्या देखा, क्या हुआ, क्या होने वाला है. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ मूवी जिसको एक नॉर्मल व्यूअर जो नॉर्मल मूवीज देखता है वैसा नहीं है, ये समथिंग एल्स है. थोड़ा आपको दिमाग लगाने पड़ेगा, शायद एक दो बार और मूवी देखनी पड़ेगी, तब आपको ये बेटर, आप इस मूवी के वर्ल्ड में घुस पाओगे ऐसा मुझे लगता है. लेकिन ओवरऑल डू नॉट मिस चुरुली, इट इज समथिंग एल्स, इट इज नॉट फ्रॉम अर्थ, इट इज फ्रॉम समवेयर एल्स. परफॉर्मेंस वाइज एवरीवन वाज गुड. मतलब मलयालम सिनेमा में परफॉर्मेंस खराब हो ऐसा बहुत रेयरली होता है.
वो स्विच जो मूवी का था वो भी मुझे अच्छा लगा. डू नॉट मिस शुरुली और देख लो, इट्स अवेलेबल ऑन सोनी लिव. अनफॉर्चुनेटली इट्स ओनली इन मलयालम, तो मेरे को तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ा. बट यार थोड़ी सी दिक्कत मुझे इस मूवी में आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट आई स्टिल मैनेज इट समहाउ एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी कर पाओगे. उसके बाद मूवी देखने के बाद आपके थॉट्स कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज एंड टेक केयर.